सवा घंटा सोई हूँ, इसको ना हम दवाई नहीं दे सकते। हो जा ऐसे परेशान, जो पूरी रात से जाग रही है, बुरे बुरे सपने मत देख। कुछ ला दो यार खाने का। अरे यार ये तो मेरा नाइट सूट है यार चीको। दोनों भाभी पे क्या बेहतरी होगी। बहुत टेस्टी है। चुप चुप जो मत, ठीक हो जाएगा पागल। तो ठीक है ना ये चीज। और डायरिया, कल का दिन आज का दिन ये लगा लो। जैद को एडमिट रखेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। पर हमारे घर में दिक्कत पे दिक्कत परेशान पे परेशानी आई जा रही है। आप सभी को पता है, जैसे कि हम सब कुछ आप लोगों को बताते हैं क्योंकि हम आपको अपनी फैमिली समझते हैं। तो पहले आयान को दिक्कत हुई, फिर सुबह को ही, अब जैद को दिक्कत हो गई है। जैद को हो गया डायरिया। तो सुबह हमने 5:30 बजे उसे एडमिट कराया था। 7 बजे मैं घर पे आई थी क्योंकि आज है सैटरडे और हमारे यहाँ पे सैटरडे को ना धूप लगती है हमारी कुल देवी की। तो वो धूप लगाने में आई थी सुबह, धूप लगा दी थी मैंने। उसके बाद मैं सिर्फ 1 घंटा सोई हूँ। कल से मैं जगी हुई हूँ, कल से बिल्कुल नींद पूरी नहीं हुई थी। 1.25 घंटा सोई हूँ। उसके बाद उठ के मैं नहा धो के, अभी मैं नहा धो चुकी हूँ, बस रेडी होना बाकी है। सपना दीदी से भी अभी बात हुई। सपना दीदी भी पहुँचने वाली हैं। वो कह रही हैं कि तू इतना एग्जॉस्ट मत कर, तू घर पे रह बच्चों के पास। मैं जाती हूँ गोलू के पास, पर मुझे भी जाना पड़ेगा गोलू के पास क्योंकि गोलू आएगी। गोलू 1 घंटे के लिए आएगी, शावर वगैरह लेगी, फिर वापस हॉस्पिटल जाएगी। तब तक मेरे को हॉस्पिटल में जैद के साथ रहना है क्योंकि जैद का फीड वगैरह मैं भी देखती हूँ और गोलू भी देख रही है। तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा और गोलू आएगी 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पे मैंने गोलू के लिए खिचड़ी और ब्रेड और चाय जो है पैक कर दी है। अभी फिलहाल एक काम करती हूँ, सबसे पहले ये भिजवा देती हूँ, तब तक कुछ खा पी लेगी, फिर सपना दीदी आती है और फिर मैं सपना दीदी के साथ ही चली जाती हूँ हॉस्पिटल। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो बस मैं अभी उठाऊंगी और अभी मैं निकल गया हूँ हॉस्पिटल के लिए। तो मैंने पाल से पूछा कि ज़ायद अभी तबीयत कैसी है। तो ज़ायद को अभी भी मतलब पोटिंग में थोड़ा बहुत ब्लड आ रहा है। तो बस अभी जाके पता करते हैं क्या कुछ तबीयत है ज़ायद की। तो बच्चों को जब कुछ हो जाता है ना तो जमीन पाओं के नीचे से निकल जाती है। और ये बात का एहसास तब होगा आपको जब आप बाप बन जाओ, फिर हमें समझ में आएगा जो हमारे माँ बाप थे जो हमारे लिए करते थे और हम कहते थे क्या कर दिया तुमने, तो अब समझ में आ रहा है। तो अभी हम पहुंच गए हॉस्पिटल। जैद तो सो रहे हैं, क्या रिपोर्ट है बोलूं? पहले से पॉटी कम कर रहा है, बट कर रहा है। डॉक्टर से बात की थी, कह रहे कि ना इसको ना हम दवाई नहीं दे सकते पॉटी रोकने की क्योंकि बच्चा है। हाँ। इसका पेट सूख जाएगा, पानी बॉडी का सूख लेगा सारा। हाँ। तो कह रहे जितनी पॉटी करेगा उतना इन्फेक्शन निकलेगा। हाँ। और फिर सुबह भी 2 बार ब्लड आ चुका है। ठीक हो जाएगा ना? काफी ठीक हो जाएगा। उठते हैं। हाँ, मैंने भी ओरेस घोल पिलाया अभी अभी। हाँ, दूध अभी थोड़ी देर पहले। बस उठते है, पॉटी करते है, कुछ भी नहीं रो रहा। ड्रिप कितनी चढ़ गई पहले? वही ड्रिप चढ़ ली। ड्रिप तो बहुत बार चढ़ी है, बीच में पीपी कर रहे थे, इंजेक्शन भी लगे, ओरएस भी 2 बार पी है। पॉटी पहले से कब तो हो गई है, बट कर रहे हैं। चल कोई बात नहीं, तो आराम कर लेना। तो भैया अभी अभी हमारी भाभी पहुंची है, बहन भी है, भाभी भी है और जतिन भाई की भी कॉल आई है मुझे। अभी अभी भाभी को छोड़ के गए हैं, गोलू से मिल के गए। मैंने तो बताया भी नहीं था, इन्होंने स्नैप देख ली स्नैपचैट पे ना, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा स्नैपचैट पे ज्यादा एक्टिव रहता हूं, तो एक एक पल पल की रिपोर्ट मिल जाती है। तो मैंने व्लॉग से पहले तो अभी अभी गोलू को ना एक बुरा सपना आया, उसको देख के उठ के रो रही है। हो जा ऐसे परेशान, जो पूरी रात से जाग रही है। डिहाइड्रेशन हो जाएगी तेरे को भी, फिर ठीक हो जाएगा गोलू। बच्चा है ना, जैसे अब हमें हो जाता है, हम तो दवाई ले लेते हैं, हमें पता नहीं लगता, ये भी ठीक हो जाएगा बेटा। कोई बात नहीं है, तू ना सोच रही है बुरा बुरा, इसलिए सपने बुरे आ रहे। अच्छा सोच, मैं यहीं बैठा हूँ, ठीक है? तो होता ही गाइस, क्या मतलब पूरी फैमिली की जान है ज़ायद ना, ज़ायद के सारे बच्चे ही जान है। वैसे तो बच्चा बीमार हो जाता है ना तो नींद नहीं आती किसी को भी। अब घबरा के उठ मत, ठीक है? बुरे बुरे सपने मत देख। तो गाइस फाइनली ना बहन भी पहुंच गई यहाँ से। सुबह सुबह उसको पता लगा ज़ायद की तबीयत खराब है। पागल है क्या? चुप कर इसको। ओए पागल लड़की, ठीक है? वो शाम तक देखियो घर चल पड़ेंगे हम। हैं, थोड़ा होता होता ही बच्चों को नहीं। अरे सपना, तेरा जुकाम खांसी तू तो बोल के बता देगी। फिर बच्चा क्या होता होगा, फिर भी माँ को हो जाए। तू क्यों रो रही है? मैंने सारा रास्ते रोती आई, मैं बस मैं पता चला था मुन्ने। ऐसे मत कर, सब ठीक है। मुश्किल से मांगे संदीप। तो कोई बात नहीं, कुछ होगा थोड़ी, इतने लोगों को प्यार है उनको। रो मत, आंखें खराब हो जाएंगी, कच्ची हैं। तेरे पास रही आदत, जब शाम तक ठीक हो जाएगा। तो गाइस अभी अभी कालू भाई नारियल पानी और मौसमी जूस लिया पिला देगा। शोर कम करो, सोने दो, उठेगी तब पिलेंगे। ये मौसमी जूस तुम पी लो, जब उठेगी तो नारियल पानी पिलेगा। तो गाइस पूरे लोग रात से जाग रहे हैं, तो अभी कालू भाई को भेज रहा हूँ मैं घर, मनदीप को घर भेज रहा हूँ कि जाके तुम 2-3 घंटे सो जाओ, उसके बाद तुम आ जाना, ठीक है? हाँ भाई। है ना? ठीक है ठीक है। सपना तू यही है ना? मैं भी यही हूँ, ठीक है? कुछ खाने का मंगा दूँ? ना 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 कुछ नहीं, मेरे को तो भूख लग रही है। तू खा ले। कुछ ला दो यार खाने का। तो भैया अभी मैं और सपना बैठे हुए हैं ज़ायद के पास। थोड़ी तबीयत ठीक है सपना? अब तो ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ना क्या होता है ना, जो हम होते हैं ना, हम
हमें तो सीधे सीधे लटका के ड्रिप लगा देते हैं। बच्चों को ड्रिप कैसे दी जाती है इस मशीन से, मतलब इससे क्या ना पूरा एक्यूरेट जाता है बच्चे के पास और बच्चा ठीक रहता है। हमें तो क्या ना सीधा लटका लगा देते हैं बच्चों को, पैर पे लगाते हैं, पैर पे, पैर पे, हाथ में, क्योंकि हाथ पे लगता है ना, हाथ की छोटी सी नसें होती है, कहाँ लगाएं, हो जाएगा ठीक। एक बार बच्चों को सब कुछ होता है, पी लिया होता है, पेट में दर्द होता है, वरना बॉडी ना स्ट्रांग होती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए बस बच्चे को। तो बस अभी जैद उठ जाए तो इसको और रस पिलाना है। अब इसने मुझसे बात तो की थोड़ी सी, उठ कर ले और रस पी ले, खड़ा हो बेटा, खड़ा हो गए, क्या मंगाऊं तेरे लिए बता, मटर पनीर मंगवा दो, सब्जी मंगवा दो, खाना मंगवा दो बेटी के लिए, क्या खाएगा, वैसे तेरी मम्मी के कुलचे फेवरेट है, बता कुलचे मंगवा दो, कुलचे खाएगा। जैद उठ गया, चाचू खाना लाए बेटी के लिए, चाचू खाना लाए बेटी के लिए, और चीकू मिलने के लिए आया, देखो देखो चीकू भाई आ गए। यार तू ऐसे आ जैसे क्लब में जा रहे थे, हॉस्पिटल में कौन ऐसे कोई आता है, बाप भी तो ऐसे, अरे यार ये तो मेरा नाइट सूट है यार, चीकू ऐसे थोड़ी आता कोई हीरो बन के, हाँ भाई पूरे दिन ऐसे टीच रहता है। गाइस अभी अभी जतिन भाई पहुंचे हैं और पहले भी सुबह भी आके जा चुके, उस टाइम मैं घर था, भाभी को छोड़ने आए थे, तो बस अभी घर पहुंचे हैं और अभी जैद की तबीयत 50% आराम है और आपकी दुआओं से जल्दी लड़का ठीक हो जाएगा। पर गोलू थोड़ी सी घबराई हुई है, पायल घबराई हुई है, माँ का दिल बहुत ही नाजुक होता है, छोटा सा होता है, क्या बोलते आप? बिल्कुल सच बात है, मैं खुद जब मेरे को सुबह सुबह पता चला ना तो मेरे को भी थोड़ा सा हुआ, अभी छोटी सी नन्ही सी जान है, दोनों भाभी पे क्या बेहतरी होगी। मेरी वाइफ तो फटाफट सुबह उठ के आ गई। तो गाइस बस अभी अभी मैं घर से हॉस्पिटल आई हूँ और बस ये दीदी मैं ना उसके लिए वो भी लेके आई हूँ, क्या बोलते हैं, जो दीदी ना इसके लिए 25 पैसे का सिक्का लेके आई थी तो वो भी लेके आई हूँ, और साथ ही साथ मैं खाना खा के आई हूँ, दवाई लेकर आई हूँ, बहुत सारी चीजें थी गाइस जो घर पे थी, क्योंकि सुबह सुबह ना मैं फटाफट भागी। दीदी इसने दवाई पी थी? दवाई पी थी नहीं, हाँ। गिरा थी सारी की सारी। तूने काम कर, हाँ कोई बात नहीं ले लेंगे वायरस, तो एक काम कर अब तूने से सच्ची पक्के 2 घंटे सो जा, नहीं तो बीमार हो जाएगी बेटा, वो ठीक होगा फिर तू बीमार हो जाएगी, है ना। मैं अभी घर जा रहा हूँ, 1-2 घंटे बाद आऊंगा, यहाँ पे सूरज है, सपना है, सारे है ठीक है, तो ना बता दी मैं घर से ले आऊंगा ठीक है। वैसे भी और क्या, डॉक्टर बोल ही रहे थे कि ना कम लोग होने चाहिए, भीड़ कम कर, हमने भी तो ऐसे ही कर रखा ना सब कुछ। तो गाइस यहाँ पे ना ज्यादा बिल्कुल बेचैन हो रहा है, जब से मैं आई हूँ ना घर से, मतलब जब से मैं आई तब से बेचैन ही हो रहा है, एक सेकंड भी लड़का सोया नहीं है कि मैं सो, मैं 3 घंटे जग रहा है, मैं उसको कोशिश कर रही हूँ, बार बार सुलाने की थापी दे रही हूँ, हाथ पे सुला रही हूँ, हर चीज ट्राई कर ली है, पर पायल बोलो डॉक्टर ने बुलाओ, हाँ मैं डॉक्टर को दीदी सोच रही हूँ बुलाऊं, हाँ बुलाती हूँ, इसका पॉलिथिन कहाँ गया, एक बार है ना डॉक्टर को बुलाएंगे यार, इसको दिखाएंगे भाई क्या हो रहा है, 3 घंटे से बेचैनी क्यों हो रही है इसका, इस तरह ले रही हूँ ना मैं, चाहे 1 घंटा ले रही हूँ तो ये बैठा रहेगा, सुता रहेगा, और इस तरह सुलाते साथ उसी टाइम फिर होने लग जाएगा ये। तो यहाँ पे ना मैं इसको ORS का घोल पिला रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला इसको जितना हो सके ना, नहीं है ORS पिला, वॉमिट कर रहा है, ये पी नहीं रहा, तो पी नहीं रहा बिल्कुल भी, नहीं बेटा क्यों नहीं पी रहा, अच्छा फ्लेवर है, मिक्स फ्रूट है, बहुत टेस्टी है, नहीं पी रहा ये लड़का, नहीं पी रहा, थोड़ा सा पी ले बेटा, पानी पानी पीना जरूरी है, डॉक्टर ने क्या बोला, पिलाना है, छुट्टी के लिए भी कुछ नहीं बोला, छुट्टी के लिए तो अभी कुछ अभी कुछ नहीं बताया, छुट्टी के लिए इकोनॉमिक्स ऐसे है, मैं लिख के दे देते हैं, ठीक है अपनी फीड में या पानी में दे सकते हो। तो अभी अभी पायल आई है और पायल देख किस तरह रोना करी, पागल की तरह, चुप चुप जमा ठीक हो जाओ पागल, चुप हो जाओ, कमजोर तो होगा ना पेट में, कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं हो जाएगा, देखे हाँ, कर देगी माता रानी की पकड़, इनसे शीट ले बार 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 चेंज करेगी, कम से कम भी 15 बार तो कर चुका है जब से मैं आई हूँ, एक हो भी तो दो एक 1.5 घंटा ही हुआ है, 1.5 घंटे में 15 बार कर चुका है, बार बार ड्रिप तो कंटिन्यू चल रही है, कंटिन्यू अभी ये सैशे मंगवाना है मेरे को, इसको फीड में मिला कर देना है जैद को, अच्छा उन्होंने बोला फीड को इकोनॉमिक, हाँ फीड को निकाल के इसमें मिला कर दो, हमारी जब ब्लड रिपोर्ट आई थी वो भी कुछ दिक्कत नहीं आई थी, जो हमारे स्टूल वाली आई है वो नेगेटिव आई है, दैट्स द गुड थिंग, ये अभी आई थी ना, अच्छा जो ये मॉर्निंग में मैंने स्टूल दी है ना जैद का स्टूल, क्योंकि क्या था स्टूल देना जल्दी था, इसका स्टूल ना आया नहीं था, आ नहीं रहा था जो देने लायक, तो ठीक है ना ये चीज, और डायरिया आप डायरिया भी कह सकते हो, थोड़ा सा इन्फेक्शन आया था, घबराने वाली ये बात, इन्फेक्शन किस लिए बच्चों को जाता है, इन्फेक्शन देखो बहुत सारे कारण होते हैं, गंदे हाथ मुंह में डाल लिया, कोई किसी ने जो बाहर से कोई ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन हो उसने उठा लिया, जैसे स्पून है कई बार खुली रहती है, हमने बिना गर्म किए बिना उबाले हमने उससे दूध पिला दिया, जान क्यों उल्टी उल्टी मत करियो, पोती पोती मत करियो, मम्मा जा रही है 3-4 घंटे में आती है, बस ये सो जाए ना मेरा दिमाग दीदी आदर्श ऐसे शांत हो जाए, बस ये ना सो नहीं रहा, इसकी वैसे मुझे नींद नहीं आ रही, और पायल को टेंशन हो रही, दीदी को कह रहे तू घर जाके सो जा, क्योंकि कल का दिन आज का दिन ये लगा लो 36 घंटे हो गए, 36 आवर्स हो गए, मैं इतने टाइम से सो ही नहीं हूँ, तो मुझे भी ना अजीब सो रहा है बहुत ज्यादा, और शायद मैं सही से बोल भी नहीं पा रही दीदी,
है थकावट की वजह से। चल ठीक है पहले ORS पिला दी उसको। ट्रेन से मतलब अपने आप ORS पिला दूंगी। वो दवाई भी आ गई, वो दवाई मिक्स करके वो भी दे दूंगी। दवाई आ गई हो? हाँ यहाँ रखी है। ठीक है तो एक दवाई एक डॉक्टर ने बोला है, पता नहीं क्या नाम है उसको, ना फीड में गाइस मिक्स करके पिलाना है। उन्होंने बोला है तो वाटर में पिला दो, पर पानी में नहीं पी नहीं रहा, इसने उल्टी कर दी थी। तो फीड में पिलाएंगे इसको मिक्स करके। पर पूछ लियो कैसे मिक्स करनी है, मुझे पता नहीं है। उधर से चल बेटा। चलो भैया चलो। गाइस घर पर आ गई हूँ, बस ऊपर जा रही हूँ। डॉक्टर से ना बात की थी जाते आते, मैंने बोला था उनको कि जैद को कितना टाइम लगेगा, तो उन्होंने बोला है कि ना 3 दिन तो लगेंगे, बाकी देखते हैं उसकी हालत अगर सुधरती है तो जल्दी हो जाएगा डिस्चार्ज। गाइस 1-1.5 घंटा सोई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है नींद से पूरी हुई है। 1-1.5 घंटे के ना मैंने बस उठते ना पायल को फोन किया मैं कि पायल क्या रिपोर्ट है बच्चे की। पायल कह रही गोलू जब तू गई थी घर से यहाँ पे आने के लिए निकली थी तब से जैद सो रहा था, अभी उठा है तो अभी उठ के उसने फीड ली है और पॉटी जो है उसकी थोड़ी सी कम हुई है, तो ये एक अच्छा साइन है। बाकी देखते डॉक्टर से बात होती है, जाके बात करती हूँ कि कब डिस्चार्ज करेंगे उसका। तो अभी मेरी डॉक्टर से बात हुई है, डॉक्टर ने बोला है कि हम कम से कम भी 3 दिन जैद को एडमिट रखेंगे। मैंने बोला भैया 3 दिन रखो 5 दिन रखो, बच्चा ठीक होना चाहिए। समझ नहीं आया किस वजह से हुआ, आप थोड़ा सा कमेंट करके बताना। कुछ लोग बोले नजर आई है वो, तो मैं नजर वजर को तो बिल्कुल ही नहीं मानता, मतलब अंधविश्वासों पर मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता। हाँ ये कोई इन्फेक्शन है उसकी वजह से ऐसा हुआ है। दोबारा पूछे तो डॉक्टर से जो आए थे कि किस वजह से हुआ, तो उन्होंने बोला हाइजीन की तरफ से भी होता है कि कुछ बच्चे जैसे जर्म्स होते हैं, अगर हम बच्चे बाहर से कोई आता है बच्चा उठा लेता है, ये हो गया, या कहीं से भी इन्फेक्शन उसने अपने हाथ मुंह में डाल ली हो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो, तो ये चीज अब समझ नहीं आएगी किस चीज की वजह से हुआ है। चीको बाहर का ना कुछ नहीं खाना ठीक है बेटा, देख रहे हैं भाई बीमार हो गया तो भी ना वो घर का खाना खाता है ना, तब भी खाना खाएगा ना बेटा, खिला और बाहर का ना खाए ठीक है। मैं ना जब जो घर पे पड़ा होता है ना मैं जैसे रोटी खा लेता हूँ स्माइली खा लेता हूँ। बेटा वो बात अलग है, घर का हम सामने बना रहे ना वो चीज, बाहर की ये नहीं पता ना बाहर किसके हाथ लग रहे हैं, हमें तो पता है सामने जो चीज बना रहे, घर पे आप खा सकते हो। तो गाइस बस मैं हॉस्पिटल से आ गई थी और बहुत तेज भूख लग रही है, अरमान जी भी जैसे सभी आए हैं तो खाना वाना खा लेते हॉस्पिटल जा रहे हैं, ये वापस जा रहे हैं ना, पाँव में जो ड्रिप है पैर सूज गया है, तो अभी बस मैं जा रहा हूँ निकल रहा हूँ, तो अभी 12:15 हो गए। तो बस गाइस ये वाला व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।